हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहम्मद सईम पटेल व्लॉग। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि एडमिशन मिल चुका है इंजीनियरिंग के लिए और ये फर्स्ट डे का व्लॉग रहने वाला है। यहाँ पर मैंने तळेगाव में एडमिशन ले लिया है डीवाई पाटिल में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीवाई पाटिल में लूंगा, तो सीएस के लिए एडमिशन ले लिया है। तो दोस्तों मेरे साथ और एक मेरा दोस्त है आदित्य, तो सबसे पहले हम उसके पास जाने वाले हैं। और ये भाई हमारी साइकिल, साइकिल से हम उसके घर तक जाएंगे और उससे हम बस से और लोकल से ट्रैवल करने वाले। 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल होता है और उसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे। 9:30 का टाइमिंग है कॉलेज का। तो सबसे पहले अभी आदित्य के घर जाते हैं। भाई दीघी से आ चुके हैं कासरवाड़ी में और ये 1 महीने का पास हमने निकाल लिया है। और अभी आदित्य से मैंने नहीं मिलाया क्योंकि आदित्य के पापा हमें छोड़ने आए थे। तो भाई ये हमारा दोस्त आदित्य, आदित्य हाई कर दिया। तो अभी आपको ये डिले हमारे ब्लॉग में दिखेगा। तो अभी हमें पकड़नी है यहाँ से लोकल, कासरवाड़ी से हमें तळेगाव जाना है, उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज। तो अभी सबसे पहले प्लेटफॉर्म चेंज करना होता है हमें यहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं। भाई अभी पहुंच चुके हैं तळेगाव स्टेशन पे। तो भाई तळेगाव स्टेशन से अभी निकल चुके हैं और यहाँ से कॉलेज कुछ पड़ता है 1.8 किलोमीटर के समथिंग ना। तो अभी थोड़ा सा टाइमिंग था इसके वजह से हम जा रहे हैं चलते, क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा। तो भाई अभी आ चुके हैं कॉलेज में। ये देखिए कॉलेज का नाम डॉक्टर डीवाई पाटिल एजुकेशन फेडरेशन। तो ये है यहाँ का मेन गेट, बट बंद ही है, आउटसाइड से जाना पड़ता है। तो भाई अभी बच चुके हैं 9:28 और 9:30 की क्लास है अभी इसके बाद।
डेढ़ बजे हम आपसे मिलेंगे क्योंकि अभी लेक्चर्स हैं। और भाई इस साइड है कॉलेज की कैंटीन। तो भाई ये है यहाँ का ग्राउंड। कॉलेज का कैंपस का टूर तो मैंने आपको करा दिया, उसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया था। तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि कॉलेज यहाँ पर छूट चुका है अभी। तो हम तीन दोस्त जा रहे हैं, एक है भाई हमारा सईद और ये है हमारा आदित्य। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं, तो अभी आपसे डायरेक्टली हम तळेगाव रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के साइड में, तो ये सामने रेलवे स्टेशन। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर 356 की हमारी रेलवे है। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पर स्टेशन पे। भाई अभी आ चुके हैं कासारवाड़ी को। तो भाई अभी कासारवाड़ी से निकल चुके हैं अभी भोसरी के साइड में। उसके पहले थोड़ा सा कॉलेज का रिव्यू वगैरह मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि फर्स्ट डे था। जो कॉलेज का नाम है ना वो तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था, आदित्य भी मेरे साथ है। तो भाई आदित्य थोड़ा सा बता दो कॉलेज कैसा लगा, फर्स्ट डे था ना आपका? कॉलेज अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कॉलेज में आके, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा कॉलेज है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, स्टूडेंट है इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर आप डीवाई पाटिल का नाम सुनते हो ना तो कॉलेज अभी उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा कैंपस उसका छोटा है, बट जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही लगी मुझे वहाँ की। तो यही बताना चाहूँगा कॉलेज के बारे में। और फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, ठीक लगा। कॉलेज जाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था, तो अभी हमको जाना है यहाँ से थोड़ा बस स्टॉप की साइड में। तो भाई फाइनली बस आ चुकी है, चढ़ते हैं अभी। तो भाई फाइनली बहुत सारे आ चुके हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दिघे में, और ये हमारे पीछे टाटा की गाड़ियाँ क्योंकि थोड़ा सा बीच रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ भी रखी है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं आदित्य के घर, तो हमारी साइकिल लगा दी थी यहाँ पे, अभी लेते हैं और फिर जाते हैं, चल जाओगे? तो भाई फिर से जा रहे हैं अभी घर, अभी व्लॉग कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, काफ़ी थक चुका हूँ, आपने तो देख लिया होगा। कम से कम 4 घंटे का तो ट्रैवल ही करना होता है और 9:30 से 3:30 का कॉलेज था। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ घर की साइड में, और यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट किया था और यहीं से अभी ब्लॉग को एंड भी करने जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको कैंपस का टूर करा दिया, तो यही आज के इस ब्लॉग में था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को अगर आपने यहाँ तक देख लिया, ब्लॉग को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय।